सुजानपुर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन ठाकुर ने कहा कि शराब के ठेके तो बहुत जल्दी खोल दिए गए थे, लेकिन जिम खोलना भूल गई है सरकार। एक तरफ तो सरकार ह्यूमिनिटी बढ़ाने की बात करती है और दूसरी तरफ लगभग 4 महीनों से जिम बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से सारी फिटनेस इंडस्ट्री को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका राशन पानी, घर का खर्चा और सारा इनकम सोर्स भी जिम ही है। लॉकडाउन के बाद पूरे भारत को धीरे धीरे खोला जा रहा है, सारे काम धंधे शुरू हो रहे हैं। मुझे लगता है कि सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइन के साथ जिमों को खोलने की अनुमति दे देनी चाहिए। इससे जहां देश के लोगों का प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी, वहीं लाखों युवा जो कि लॉकडाउन के चलते बेरोजगार हुए थे, उन्हें फिर से रोजगार मिलेगा। हम केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि जब लॉकडाउन हटा दिया गया है और अन्य आर्थिक गतिविधियां सामान्य रूप से चल रही हैं, तो जिम को बंद रखना समय से परे है। केंद्र सरकार को सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइन के साथ जिमों का संचालन करने की अनुमति दे। साथियों नमस्कार, मैं उम्मीद करता हूँ सारे के सारे ठीक ठाक होंगे। साथियों जैसा कि आप सबको पता है कि एक तरफ सरकार जो है वो इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने की बात करती है, लेकिन लगभग 4 महीने हो गए सारे के सारे जिम जो है वो बंद पड़े हुए हैं। इससे फिटनेस इंडस्ट्री को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। मैं बात करूँ तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी खाना पीना, राशन और सारा का सारा इनकम सोर्स जो है लगभग जिम ही है। लॉकडाउन के बाद पूरे भारत को धीरे धीरे खोला जा रहा है, सारी की सारी आर्थिक गतिविधियां जो है वो धीरे धीरे शुरू हो गई हैं। मैं केंद्र सरकार से यही विनती करना चाहता हूं कि पूरी सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइंस के तहत जिम खोलने की अनुमति दे देनी चाहिए। इससे जहां देश के लोगों को इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने का मौका मिलेगा, वहीं जो लाखों युवा जो बेरोजगार हुए हैं उनको अपना रोजगार मिल जाएगा। मैं एक बार फिर से केंद्र सरकार से विनती करना चाहता हूं कि सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइंस के तहत जिम खोलने, जिम चलाने की, जिम संचालन की अनुमति दे देनी चाहिए। धन्यवाद।